नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ्स और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल तरीका दोस्तों बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान तरीका, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 177 है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन को आप टेस्ट के तौर पर भी लीजिएगा, अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा, कोशिश करिएगा, देखिए क्या आपसे प्रश्न सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, उसके बाद आप देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, कितने परसेंट की वह छूट प्रदान करता है, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं, पहले समझिए। क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों, एक फल विक्रेता है, 24 आम जब आप खरीद रहे हैं तो एक आम क्या दे देता है, मुफ्त दे देता है, वह ग्राहक को छूट प्रदान करता है, यानी कितने परसेंट की छूट प्रदान करता है। तो जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसके लिए एक आसान तरीका होता है, छूट कितना दे रहा है दोस्तों, एक आम, कितने आम की खरीद पे दोस्तों, 24 आम की खरीद पे दे रहा है ना। तो देखिए आपको कितने आम मिले, यानी कोई वस्तु भी हो सकता है, आम ही नहीं रह सकता है, यहां पे कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो टोटल कितना आपको मिल रहा है, 24 एक 25, यहां पे ये नहीं बोलेंगे कि 1/24, नहीं, टोटल आपको वस्तु कितना मिल रहा है दोस्तों, यानी टोटल आपको आम कितना मिल रहा है, 25, एक छूट मिला है 1/25 पे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये ना सोचिएगा कि 25 पे नहीं, 24 पे ही एक छूट है, लेकिन टोटल वस्तु कितना मिला है, 25 मिला है। तो 1/25 परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो गुने 100, 25 से कटाएंगे दोस्तों 2500 को 100, आंसर आएगा दोस्तों 4% की छूट। कितने परसेंट की छूट मिली दोस्तों, 4%। देखिए 4% किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझा देता हूं, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, छूट वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, बटा में टोटल वस्तु 24 1/25, और बटा में देखिए 1/25 और गुने में क्या लिखेंगे, 100, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 25 चौको 100, 4 एकम 4, यानी कि 4% की छूट, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न टेस्ट के तौर पर रहेगा, होमवर्क के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिया हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, यदि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उसके दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको प्रश्न समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। ऐसे आपका अंक देखिए एग्जाम में आएगा ना, अंक बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 10 आदमी काम करेंगे तो 15 दिन लगेगा, या दोस्तों बोल रहा है 18 लड़के भी काम करें तो 15 दिन ही लगेगा। पूछ रहा है दोस्तों 25 आदमी और 15 लड़के उसके दोगुने काम को, यहां पे ऊपर क्या है दोस्तों, एक काम हो रहा है, और इधर क्या बोल रहा है नीचे वाले में, दोगुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, पहले यहां पे समझिएगा, पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे आदमी और लड़कों में। तो यहां पे लिख दे रहे हैं दोस्तों 10 में, यहां पे मैन लिख दे रहे हैं, ठीक है, 10 मैन बराबर यहां पे 10 आदमी या 18 लड़के, कहने का मतलब है 10 आदमी बराबर क्या है दोस्तों, 18 बॉयज है, लड़के हैं। तो इसे और सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 5 मैन बराबर दोस्तों क्या होंगे बताइए, 5 मैन बराबर क्या होंगे, यहां पे 9 बॉयज होंगे, समझ रहे हैं ना, यहां पे
ये चीज हो सकता है कि नहीं, इसको आधा कर दिए तो क्या होगा, 2 से भाग कर दिए, 2 बच्चे 10, 2 9 18, तो 5 मेन बराबर दोस्तों क्या है, 9 बॉयज हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों आदमी रख सकते हैं या लड़के रख सकते हैं। तो देखिए लड़के रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 18 लड़के हैं और किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 15 दिन में करते हैं, एक काम को कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी काम को 15 दिन में करते हैं। अब दूसरे स्टेप में बोल रहे हैं दोस्तों 25 आदमी और 15 लड़के, तो 25 आदमी बराबर कितने लड़के होंगे, यहां पे भी क्या रखेंगे, लड़के ही कर लीजिए, यहां पे क्या करना है, यूनिट समान रखना है, या तो आदमी से प्रश्न को सॉल्व करिए या लड़के से प्रश्न को सॉल्व करिए। तो देखिए यहां पे आपको पता है दोस्तों 5 मेन बराबर, यानी कि 5 आदमी बराबर क्या है, 9 लड़के हैं, तो 25 आदमी बराबर दोस्तों क्या होगा, 5 पच्चे 25, 9 पच्चे 45, यानी कि 45 क्या हो जाएंगे, बॉय हो जाएंगे। 25 आदमी बराबर कितने बॉय होंगे, 45 बॉय ये और 15 बॉय ए, यानी कि 45 लड़के और यहाँ पे हो जाएंगे 25 आदमी की जगह पे, और 15 लड़के की जगह पे क्या हो जाएंगे, 15 लड़के, यानी कि टोटल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। समझ में आया? तो पूछ रहा है दोस्तों कितने दिन में करेंगे, D2 दिन में करेंगे, और 2 गुने काम को बोल रहे हैं, तो बटे 2 गुना काम, जो काम होता है 2 गुना होगा, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, अब इसी को कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 से 60 कटेगा कितने बार में दोस्तों, 30 बार में, 15 से 30 कटेगा 2 बार में, 15 दुना 30, 2 से 18 कटेगा 9 बार में, तो D2 बराबर दोस्तों आया कितना, D2 बराबर आया 9। तो देखिए D2 बराबर क्या आया दोस्तों, 9, तो आंसर आगा 9 दिन, यानी कि दोस्तों 25 आदमी और 15 लड़के उसके 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। देखिए 9 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न ये कह रहा है किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे क्या दोस्तों 19 से 361 में पूर्णतः भाग चला जाएगा कि नहीं, पूरा कटेगा कि नहीं। हाँ 19 × 19 361 होता है, यानी 19 बार में ये कट जाएगा, जब ये पूर्णतः भाग चला जाता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। यहां पे बोल रहा है ना कि 361 से किसी संख्या को विभाजित किया जाता है शेषफल 47 रहता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 47 को ही 19 से भाग कर दीजिए, जो शेष आएगा वही आंसर आ जाएगा। ये जो 47 है ना, इसी को क्या करेंगे 19 से भाग कर दीजिए, तो 19 दुना के दोस्तों क्या होगा 38 होगा। ठीक है, 47 में से 38 घटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा, शेष में क्या बच रहा है दोस्तों 9, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी उसी संख्या को 19 से जब विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा दोस्तों 9 होगा। देखिए 9 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 47 है ना, इसी 47 को इस 19 से भाग कर दीजिए, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 9 शेष आ रहा है 9 आंसर हो जाएगा। तो क्या इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, और हम मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे मैं मैथ कंटिन्यू कर दिया हूं, वीडियो देना अपलोड वहां पे चालू कर दिया हूं दोस्तों, वीडियो वहां पे पढ़ रही है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पे जाके दोस्तों आप एग्जाम फिनिशर सर्च कीजिए, एग्जाम फिनिशर चैनल पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, वहां पे दोस्तों मैं मैथ
बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के जब वहाँ सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो उस चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए और वहाँ पर वीडियो देना कंटिन्यू भी कर दिया हूँ तो जाके जरूर देखिए। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है, बिना एक्स वाई माने बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल 45 और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल है, संख्याओं के वर्ग का योगफल बताना है, यानी कि संख्याओं को स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बोले दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और अंतर दिया हो और उसका वर्ग पूछे या संख्या पूछे या जोड़ पूछे, कुछ भी पूछे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां गुणनफल क्या है दोस्तों 45 है ना, आप क्या करेंगे दोस्तों 45 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, किन किन संख्याओं से कटेगा, 3 × 3 × 5 यही तो होगा ना गुणनखंड, 3 × 3 = 9 = 45 समझ में आ रहा है, गुणनखंड ऐसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 3 × 3 × 5 ये को कितने संख्या है, यहां पे 3 संख्या है, इसको आप दो संख्या बनाइए। दो संख्या कैसे बना सकते हैं दोस्तों, एक होगा 3 और एक होगा दोस्तों देखिए एक होगा 3, एक होगा 3 × 5 = 15, एक ये हो सकता है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 9 × 5 यानी कि 9 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये दो तरह से इस प्रकार से क्या हो सकते हैं दोस्तों, संख्या हम ले सकते हैं, मान सकते हैं, यानी कि क्या होगा, आप ओरल भी कर सकते हैं, गुणनखंड नहीं भी करें तो भी हो सकता है। आपको समझाने के लिए, सिंपल से समझाने के लिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझे, एकदम बेसिक से समझे। तो देखिए यहां पे दो तरह की संख्याएं हैं, 3, 15 या 9, 5। अब यहां पे कह रहे हैं उनका अंतर 4 है, तो बताइए 3, 15 का अंतर 4 होगा कि 9, 5 का अंतर 4 होगा, बताइए 3, 15 का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना, 15 में से दोस्तों 3 घटाएंगे 12 होगा और 9, 5 का अंतर दोस्तों क्या होगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा। किसका अंतर 4 आ रहा है, तो 9 और 5 का अंतर 4 आ रहा है, तो वो संख्याएं कौन है दोस्तों, 9 और 5 है, वो संख्याएं कौन है 9 और 5 है, जिनका अंतर क्या है दोस्तों 4 है और गुणनफल क्या है दोस्तों 45 है कि नहीं। पूरे कंडीशन को ये संख्या क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, 9, 5 का गुणनफल क्या होगा 45 और उनका अंतर 4 है, तो अंतर क्या होगा, 9, 5 का अंतर क्या होगा 4 होगा, समझ में आ रहा है। पूछ कह रहा है संख्याओं के वर्ग का योगफल, यानी 9 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होगा प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 81 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 106 होगा, यही तो आपका आंसर होगा। देखिए 106 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर जाकर एसएससी मेकर सर्च करके आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट अभी तक आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम जाके एसएससी मेकर सर्च करके आप जरूर फॉलो कर लीजिए। और देखिए चलिए अब अगले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेस्ट का क्वेश्चन है यानी आज का प्रश्न है। इसका आंसर क्या करना है सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना, इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, मैथ का पार्ट नंबर 176 देख लेंगे, पार्ट नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पार्ट नंबर 176 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाया हूं, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 176 आपको मिलेगा कहां से, इसका लिंक दोस्तों यहां ऊपर आई बटन पर दे दिया दोस्तों, यहां आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 176 देख सकते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों। इस ई बुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ई बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए
दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।